अरे यार, आज तो मेरा एनिवर्सरी था और मैं अपनी बीवी को विश करना भूल गया। शायद 2 बजे मीटिंग था, मैं स्किप कर दी तो उसका कल बर्थडे है। ओ गॉड, मैं पागल हो रहा हूँ। क्या मुझे कोई सलूशन दे सकता है इसके लिए? जी हाँ बिल्कुल, गूगल कैलेंडर के पास इस सब का सलूशन है। कैसे? सो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशन विद टेक्निकल स्किल्स एजुकेट स्किल के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू एपिसोड। क्या गूगल कैलेंडर के ये सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको पता है? जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग या इवेंट को गूगल कैलेंडर में ऐड करना और उसका नोटिफिकेशन मिलना, या फिर किसी को आप कोई इवेंट क्रिएट करें उसमें इनवाइट करना, जैसे कि कोई मीटिंग है उसमें इनवाइट करना, मेल के थ्रू नोटिफिकेशन भेजना, या फिर आपका बर्थडे या एनिवर्सरी ये सबके लिए रिमाइंडर सेट करना, या आपका सर्वर या डोमेन का कुछ एक्सपायर हो रहा है उसका रिमाइंडर आप लगाना चाहते हैं, या फिर किसी को कोई टास्क असाइन करना चाहते हैं, ये सारा कैसे आप अवेल कर पाएंगे, कैसे यूज कर पाएंगे ये वाला एपिसोड में, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा कि गूगल कैलेंडर है क्या। तो ये एक जनरली कैलेंडर है जो कि गूगल द्वारा डेवलप किया गया है आपके काम को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए। जैसे आप कुछ इवेंट फ्यूचर में स्केड्यूल करना चाहते हैं, या फिर उसका रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, या आपका सारा काम आपके गूगल कैलेंडर में अपडेट करके उसको आप अपने कलीग या फिर कोवर्कर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप जीमेल में जाके उसका जो वर्कस्पेस में बहुत सारा टूल्स है उसमें से जाके गूगल कैलेंडर ओपन कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली सर्च इंजन में गूगल कैलेंडर सर्च करके जा सकते हैं। तो अभी आपके सामने इस टाइप का एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गूगल कैलेंडर का जो व्यू है, मतलब अभी आप जो देख रहे हैं वो एक दिन का है। एक दिन में आप क्या क्या काम स्केड्यूल किए हैं वो आपको दिखाएगा। तो हम इसको वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आपका व्यू चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि एक मीटिंग कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्रिएट वाला ऑप्शन में जाके इवेंट चूज कीजिए। इवेंट चूज करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें आप अपना मीटिंग का टाइटल ऐड करेंगे और किसके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। गेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी गेस्ट ऐड कर सकते हैं। देन आप मीटिंग का एक डेट चूज कर लीजिए और उसका एक टाइमिंग भी डाल दीजिए। लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। कुछ अगर आप उनको नोट देना चाहते हैं मेल में तो आप डाल सकते हैं। देन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एक्चुअली आपको एक पॉपअप आएगा कि आप उनको ईमेल से नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप भेजना चाहते हैं तो सेंड में क्लिक कर देंगे, देन वो मीटिंग का नोटिफिकेशन उनके पास मेल में चला जाएगा। अभी बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट मैटर में जो हम सबको ही भूल जाते हैं, बर्थडे और एनिवर्सरी कैसे रिमाइंड करें विद द हेल्प ऑफ गूगल कैलेंडर। सो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, क्रिएट देन रिमाइंडर, और आप जिसका बर्थडे या एनिवर्सरी याद रखना चाहते हैं उनका नाम ऊपर डाल दीजिए, इसका बर्थडे या उसका एनिवर्सरी। देन यहाँ पे जो घड़ी वाला आइकॉन है उसमें जाके डेट सिलेक्ट कर लीजिए, देन टाइमिंग, जो टाइमिंग में आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं उसी टाइमिंग सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है डजन रिपीट उसमें आप एनुअली वंस कर दीजिए, मतलब उसी डेट में आपको सिर्फ रिमाइंडर आएगा। देन सेव कर लीजिए, बस काम खत्म। अभी हम लोग सीखेंगे कि एक टास्क कैसे असाइन करें ताकि हमारा जो भूलने वाला बीमारी में उससे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। तो वही सेम प्रोसेस, क्रिएट देन टास्क में जाके आप जो भी टास्क का नाम रखना चाहते हैं, सर्वर रिन्यूअल, या फिर आपके कोलीग के लिए कुछ टास्क आप असाइन करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये काम इस डेट में रखना चाहते हैं, तो उस मैटर में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट, और यहाँ पे डेट में सिलेक्ट कर ली हूँ और
टाइमिंग सिलेक्ट कर ली वर्किंग आवर में 10 AM और यहाँ पे डजन रिपीट में मैं इसको कर रही हूँ कि वीकडेज पूरा हर दिन मुझे ये रिमाइंड करेगा। अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, देन इसको सेव कर लीजिए, आपका पूरा कैलेंडर में ये आ जाएगा। कैसे दिखेगा वो मैं आपको आगे दिखाऊँ। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपना गूगल कैलेंडर को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में लिखा हुआ है सर्च फॉर पीपल, तो यहाँ पे आप किसी का भी जीमेल आईडी देख के उनके साथ अपना कैलेंडर शेयर कर सकते हैं ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। लेट्स सी कि अपना कैलेंडर को कस्टमाइज कैसे करें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा एडुटेक स्किल्स रिमाइंडर एंड टास्क, तीनों में टिक मार्क है। इसका मतलब ये है कि आप तीनों टाइप ऑफ मतलब मीटिंग अगर कुछ शेड्यूल किए हैं वो भी दिखेगा, रिमाइंडर कुछ सेट किए हैं वो भी दिखेगा, टास्क अगर कुछ असाइन किए हैं तो वो भी दिखेगा। बट अगर आप उसको कस्टमाइज कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क आप देखना चाहते हैं तो ओनली टास्क आपको दिखाएगा जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले क्रिएट किए थे। और अगर रिमाइंडर रखना चाहते हैं रिमाइंडर सिर्फ आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए एक डेट में मैं एक मीटिंग का रिमाइंडर सेट की थी तो वो आ गया। और अगर कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जो भी आप मीटिंग या फिर जो भी शेड्यूल किए होंगे वो भी दिखा देगा। और ये कैलेंडर को कस्टमाइज करना चाहते हैं, अगर ये टास्क और रिमाइंडर को छोड़ के कुछ अलग सा ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नीचे देखिए अदर रिमाइंडर्स लिखा हुआ है और साइड में एक प्लस वाला आइकॉन है, वहाँ पे जाके आप नया कैलेंडर सिलेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बर्थडे वाला कैलेंडर क्रिएट करती हूँ, प्लस वाला आइकन में जाके मैं एक बर्थडे वाला कैलेंडर क्रिएट कर ली तो उसमें सिर्फ बर्थडे दिखाएगा। गूगल कैलेंडर का साइड बार का यूज अभी जानेंगे। उसमें आप देखिए राइट हैंड साइड में छोटा छोटा आइकन करके कीप, टास्क, गूगल कॉन्टैक्ट और मैप, ये सब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा। ये क्यों दिया है, एक्चुअली आप कुछ भी टास्क या रिमाइंडर या कुछ भी सेट कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप जीमेल आईडी या फिर कीप में डायरेक्ट सेट कर सकते हैं या फिर टास्क असाइन कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली आप दोनों वर्क कर सकते हैं। और ये जो चारों टूल है उसको भी आप अपना गूगल कैलेंडर में बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। और नीचे देखिए एक प्लस वाला आइकन है, उसमें जाके आप वर्कस्पेस का और भी बहुत सारा टूल भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड करता है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूले। बहुत मेहनत करके आप सबके लिए कंटेंट क्रिएट करती हूँ, अगर आपका अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो काम करने में उतना मजा नहीं आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।